खबरों की शुरुआत करते हैं सरकार के कामकाज से। कोविड 19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के पर्यटन उद्योग पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसे में पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लोग, इकाइयां, संस्थानों की सुध सरकार ने ली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश के बाद लगभग 4,43,000 लोगों को अब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत फायदा पहुंचाने जा रही है। सरकार की ओर से 1,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इन लोगों को सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए तत्काल मदद पहुंचाई जाएगी। राज्य के पर्यटन सचिव दिलीप जवलकर की माने तो सरकार ने निर्णय लिया है कि पर्यटन विभाग या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से रजिस्टर्ड राजकीय संस्था FSSI उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदि के तहत पंजीकृत कर्मियों को 1,000 रुपये की दर से वन टाइम आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका पूरा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। पर्यटन सचिव ने स्पष्ट किया है कि पर्यटन क्षेत्र गतिविधियां समितियों जैसे टीरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण, गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के पास अपने संसाधन है, या फिर जिन रिवर गाइड और कार्मिकों को पहले ही लाभ मिल चुका है उन्हें इस योजना के तहत 1,000 रुपए नहीं मिलेगा। पर्यटन सचिव ने बताया कि वीरचंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तहत, दीनदयाल होम स्टे योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अप्रैल से जून 2020 के ऋण पर लगने वाले ब्याज का पैसा भी सरकार देगी। पर्यटन विभाग के तहत पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क को भी 1 साल के लिए समाप्त कर दिया गया है। राज्य में पर्यटन से जुड़े बस, टैक्सी, मैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा, विक्रम, ई रिक्शा से योजित लगभग 1,01,185 कार्मिकों को 1,000 रुपये की दर से वन टाइम आर्थिक मदद मिलेगी। ऐसे सभी लोगों की सूची परिवहन विभाग ने सरकार को सौंप दी है। वहीं संस्कृति विभाग ने राज्य के 6,675 सूचीबद्ध कलाकारों की लिस्ट जिलाधिकारी को दी है। इन कलाकारों को भी 1,000 रुपये वन टाइम आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से दी जाएगी। खबर कोरोना की ढाई चाल की। उत्तराखंड में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से मरीज स्वस्थ भी हो रहे हैं। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 25 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 37 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से अपने घर जा चुके हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,127 हो गई है। शुक्रवार को बड़े मामलों में 11 अल्मोड़ा, 3 देहरादून, 7 हरिद्वार और 3 मामले टीरी गढ़वाल से सामने आए हैं। अब तक डिस्चार्ज होने वाले लोगों की संख्या 1,423 पहुंच गई है। वहीं 26 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। प्रवासियों की वापसी के बाद उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी है, लेकिन सरकार अपने संसाधनों को मजबूती से जुटाने में कामयाब हुई है। खबर उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम की। कोविड 19 का सीधा असर उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाओं पर भी पड़ा है। जहां मई के आखिरी हफ्ते में परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाते थे, वहीं इस बार अभी तक परीक्षाएं भी पूरी नहीं हो सकी हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बीते दिनों जानकारी दी थी कि 20 से 23 जून के बीच उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की परीक्षाएँ कराई जाएंगी। अब 22 से 25 जून के बीच परिषद बची हुई परीक्षाओं को कराने जा रहा है। परिषद कंटेनमेंट जोन में रह रहे परीक्षार्थियों के लिए एक बार फिर से परीक्षा आयोजित करने की सुविधा भी करने जा रहा है। बोर्ड सचिव नीता तिवारी ने बताया कि बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य अभी जारी है। 23 जून से शुरू हुआ मूल्यांकन 15 जुलाई तक चलेगा। इस बीच 20 जून से 27 जून तक मूल्यांकन कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि 22 से 25 जून तक प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही कंटोनमेंट जोन के परीक्षार्थियों को इन परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उनके लिए स्थिति सामान्य होने की दिशा में अलग से परीक्षा तिथियों की घोषणा कर परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। ऐसे में इस बार बोर्ड के रिजल्ट अगस्त प्रथम सप्ताह के बीच आ सकते हैं। खबर पर्यटन और धर्म संस्कृति की। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के कारण छुट्टियों में उत्तराखंड पहुँचने वाले पर्यटकों को काफ़ी मायूस होना पड़ा था, लेकिन ऐसे घूमने के शौकीन लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल सरोवर नगरी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ महत्वपूर्ण स्थान जैसे चिड़ियाघर, हिमालयन बॉटनिकल गार्डन और वाटरफॉल को शुक्रवार से खोला जा चुका है। ऐसे में नैनीताल घूमने आने वालों को सरकार की कोरोना से बचाव की गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा। दार्शनिक स्थलों के गेट में थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर मशीन से पर्यटकों की जाँच की जाएगी।
इस पर चिड़ियाघर के निदेशक TR बिजूलाल ने बताया कि इन दार्शनिक स्थलों को कोरोना के कारण बंद कर दिया गया था, लेकिन अब सरकार द्वारा इन्हें फिर से खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन चिड़ियाघर प्रबंधन की ओर से किया जाएगा। खबर जनता जनार्दन की। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि केंद्र सरकार हिमालय राज्यों की विशेष परिस्थितियों से वाकिफ है। महामारी के दौर में इन राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। ये भी कहा कि नई शिक्षा नीति में प्रकृति पर्यावरण सुरक्षा पाठ्यक्रम के खास अंग रहेंगे। मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हिमालय राज्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें केंद्र पोषित योजना समग्र शिक्षा अभियान 90-10 के अनुपात में बजट दिया जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड भी हिमालय राज्य में आता है। इसमें राज्यों की हिस्सेदारी महज 10% है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड समेत 11 हिमालय राज्यों की जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। दरअसल कोरोना महामारी के दौर में केंद्र सरकार को भी आर्थिक संकट की कमी से जूझना पड़ा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक ने कहा, कोरोना संकट के दौरान दूरस्थ शिक्षा की जरूरत बढ़ी है। इसकी गुणवत्ता पर सरकार का पूरा ध्यान है। UGC के अध्यक्ष को टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इग्नू को विस्तार दिया जा रहा है। 50 से अधिक देशों के छात्र इग्नू के पाठ्यक्रम से जुड़ने जा रहे हैं। स्टडी इन इंडिया योजना को प्रोत्साहित करते हुए इस बारे में निर्णय लिए जा चुके हैं। ऑनलाइन शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बड़े कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। खबर हेल्थ और हेल्थ केयर की। कई लोग अपना कोरोना जांच कराना चाहते हैं, लेकिन निजी लैब को करने की अब तक कोई अनुमति नहीं है। जिलाधिकारी सबिन मंसल ने ICMR में पंजीकृत निजी प्रयोगशालाओं को COVID-19 की सैंपलिंग एवं जाँच हेतु कोई SOP जारी न होने के कारण 6 बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने के लिए सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र प्रेषित किया है। सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण को भेजे गए पत्र में जिलाधिकारी बंसल ने लिखा है, COVID-19 के मानक अनुसार सैंपल लेने से पूर्व रोगी को आइसोलेशन कराना अनिवार्य होता है। निजी लैब किसी आधार पर सैंपल लेंगे और सैंपल किसकी अनुमति पर एवं किस निर्धारित स्थान पर लिया जाएगा, सैंपल रिपोर्ट आने तक क्या निजी लैब रोगी का आइसोलेशन मेंटेन करवाएंगे, आइसोलेशन के मानक को किस आधार पर अनुसरण किया जाएगा और इस प्रक्रिया की संपूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, इसके लिए दिशा निर्देश दिए जाना आवश्यक होगा। बंसल ने अपने पत्र में लिखा है कि निजी प्रयोगशालाओं की रेफरेंस लैब राज्य के बाहर स्थित है। इस प्रकार लिए जाने वाले सैंपल के कलेक्शन, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में दिशा निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। COVID-19 के सैंपल कलेक्शन हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है तथा इनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना होगा, इस संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। खबर उत्तराखंड के 6 जिलों में बरसात की। उत्तराखंड के 6 जिलों में मौसम खराब बना हुआ है। 6 पहाड़ी जिलों में अगले 24 घंटे मुश्किल भरे रह सकते हैं। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में आज बारिश की संभावना जताई जा रही है उनमें नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी जिला शामिल है। इन जिलों में रहने वाले व्यक्ति अपने घर से निकलते समय मौसम के अनुसार ही अपनी व्यवस्था बना लें, इस तरीके के निर्देश मौसम विभाग की ओर से हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेकिन उत्तराखंड में मानसून पहुंचने में अभी थोड़ा वक्त भी बाकी है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।